चैप्टर टू एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। सो एसिड का टेस्ट क्या होता है? सॉर इन टेस्ट, ठीक है। एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट और बेस बिटर, और सॉल्ट क्या होते हैं? सॉल्टी, न्यूट्रल, ठीक है। सॉल्ट्स आपके न्यूट्रल होते हैं, और सॉल्ट्स बनते कैसे हैं? जब हम किसी एसिड को बेस के साथ क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं, तो सॉल्ट बन जाता है आपका प्लस वाटर, ठीक है। तो सॉल्ट इसलिए क्या है? न्यूट्रल है आपका, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसको हम एक और रिएक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं? कैंसिल आउट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। दैट्स व्हाई आपका सॉल्ट क्या बन जाता है? न्यूट्रल, ठीक है। अब इंडिकेटर क्या होते हैं सबसे पहले बेटा इस चैप्टर में? इंडिकेटर, इंडिकेटर का मतलब क्या होगा? बाइकों वगैरह में भी इंडिकेटर होते हैं, गाड़ियों में भी होते हैं, क्या मतलब होता है उसका, इंडिकेटर का? हाँ चैतन्य, अच्छा इंडिकेटर एक्सीडेंट से बचाने के लिए देते हैं। इंडिकेटर तो इसलिए जलाते हैं, किस लिए जलाते हैं इंडिकेटर? मैं साइड में जा रहा हूँ, तो गाड़ी पीछे से आ रही है स्पीड में, तो जलाते किस लिए? इंडिकेशन देने के लिए कि आपको किस तरफ मुड़ना है या किस तरफ जाना है, ठीक है। वैसे यहाँ पे इंडिकेटर का मतलब क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे जो इंडिकेटर्स है आपके, वो आपको ये बताएंगे कि वो सब्सटेंस एसिड है या बेस है, क्लियर। सो इंडिकेटर यानी जो इंडिकेशन दे रहे हैं हमें, जो पहचान करवा रहे हैं एक तरीके से कि आपका जो सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है। इंडिकेटर जनरली आपके यहाँ पे डाई की फॉर्म में होते हैं, किस फॉर्म में? डाई, ठीक है, डाई लिक्विड की फॉर्म में, जो हमें ये बताते हैं कि वो सब्सटेंस आपका एसिड है या बेस है। अब कैसे चेक करते हैं वो बेटा? वो अपना क्या चेंज करते हैं? कलर, वो अपना कलर चेंज करते हैं इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। कलर चेंज इन एसिडिक और बेसिक मीडियम, ठीक है। अलग अलग कलर चेंज कर लेते हैं, जिसकी हेल्प से हमें पता चल जाता है कि वो मीडियम आपका एसिडिक है या फिर बेसिक है। मोस्ट कॉमन यूज्ड इंडिकेटर कौन सा है आपका? लिटमस। मोस्ट कॉमन यूज्ड इंडिकेटर लिटमस। लिटमस क्या है? आर्टिफिशियल है या सिंथेटिक? वो क्या, नेचुरल? नेचुरल है या सिंथेटिक? नेचुरल इंडिकेटर। और कहां से प्रिपेयर किया जाता है ये? लाइकन से, ठीक है, लाइकन से प्रिपेयर किया जाता है। और एक्चुअल में किस कलर का होता है ये? पर्पल। बट हमारे पास किस फॉर्म में अवेलेबल है? रेड और ब्लू की फॉर्म में, ठीक है। रेड और ब्लू की फॉर्म इसकी बनाई जाती है, पेपर की फॉर्म, फर्दर लिटमस पेपर कहते हैं फर्दर हम उसे, ठीक है। तो रेड ब्लू टू रेड, और बेस रेड टू ब्लू, क्लियर। एसिड में यानी आप अगर सपोज रेड लिटमस डालोगे एसिड में, तो क्या होगा? उसका कलर चेंज नहीं होगा, वो रेड का रेड ही रहेगा। और ब्लू अगर लिटमस पेपर डालोगे तो क्या कलर हो जाएगा उसका? रेड हो जाएगा। बेस में रेड डालेंगे तो ब्लू हो जाएगा, ब्लू डालेंगे तो ब्लू ही रहेगा, पर्पल डालेंगे तो तब भी ब्लू हो जाएगा। यानी कोई भी लिटमस आप डालोगे तो उसमें क्या हो जाएगा आपका? ब्लू कलर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और कौन से इंडिकेटर है आपके? तीन मोस्ट कॉमन क्या है? एक तो लिटमस है, दूसरा फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन, और तीसरा मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। तीन इंडिकेटर्स हैं आपके, लिटमस, फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। मेनली फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज ये दोनों क्या हैं? आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स हैं आपके, या सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, जो केमिकल से बनाए गए हैं। अब फिनोफ्थलीन क्या करता है? एसिड में, एसिड में क्या हो जाएगा ये? रेड कलर का। एसिड में, सॉरी फिनोफ्थलीन, हाँ, एसिड में पिंक कलर का, और बेस में कलरलेस। सब आज उल्टा करा रहे हो। बेस में पिंक और एसिड में कलरलेस, ठीक है। फिनोफ्थलीन एसिड में क्या हो जाएगा? कलरलेस, और बेस में पिंक। एक्चुअल कलर क्या होता है फिनोफ्थलीन का?
एक्चुअल कलर कलरलेस बेटा, ठीक है। तो जब हम बेस डालेंगे, सपोज हमने फिनोफ्थलीन लिया और सबसे पहले बेस डाला उसमें, तो कौन सा कलर कन्वर्ट हो जाएगा आपका? पिंक। और वापस अगर हम उसमें थोड़ा एसिड डाल दें तो वापस क्या आ जाएगा? वो कलरलेस, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज का नॉर्मल कलर ऑरेंज, ठीक है। एसिड में क्या हो जाएगा? ये रेड। एसिड में रेड और बेस में येलो। क्लियर हो गए सारे बेटा तीनों? लिटमस, फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। उसके अलावा और कौन से आपके? एक यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर किस काम आता है ये हम फर्दर आगे पढ़ेंगे, पीएच स्केल के लिए। यूनिवर्सल इंडिकेटर में क्या होता है? अलग अलग पीएच वैल्यू पे अलग अलग कलर शो होते हैं आपको, जिससे आप उनकी पीएच वैल्यू भी डिटरमाइन कर सकते हो, ठीक है। और आपके नेचुरल इंडिकेटर्स में और कौन कौन से हैं बताओ? टर्मरिक और टर्मरिक हो गया, रेड कैबेज, और चेंजेस ऑफ कलर क्या होंगे अब इनमें? टर्मरिक में क्या होता है? टर्मरिक आपका वैसे कौन से कलर का है नॉर्मली? येलो। टर्मरिक पता है ना सबको क्या होती है हिंदी में? हल्दी। देखिए ना सबने घर में किस कलर की होती है? येलो। अब इस पे क्या होता है? अगर हम बेसिक सॉल्यूशन डाल दे तो क्या होगा? रेड हो जाएगा बेसिक में। क्या हो जाएगा? रेड बेसिक सॉल्यूशन में। और एसिड में वापस येलो, ठीक है। एसिड में यानी कलर चेंज नहीं होगा, एसिड में आपका येलो ही रहेगा। नाउ रेड कैबेज बेटा, रेड कैबेज में कलर क्या चेंज होंगे आपके बताओ? रेड कैबेज एसिड में रेड रहेगा, एसिड में बेटा रेड, और बेस में ग्रीन, ठीक है। ये सारे कलर आपको अच्छी तरह याद होने चाहिए, ठीक है। नाउ अब इसके बाद बेटा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या थे आपके बताओ? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर जिनकी क्या हो जाती है? स्मेल चेंज हो जाती है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स दोस इंडिकेटर्स विच हुज स्मेल चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडियम, जिनकी स्मेल चेंज हो जाती है एसिडिक और बेसिक मीडियम में या सॉल्यूशन में, उनको हम क्या बोलते हैं? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। एग्जांपल्स कौन कौन से ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के? वनीला एक्सट्रैक्ट और अनियन और क्लोव ऑयल, ठीक है। आया समझ में? तीन क्लोव, क्लोव नहीं पता, लौंग, लौंग का तेल, ठीक है। लौंग नहीं देखी सबने घर पे? हाँ, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा? नाउ अब अगर सपोज आपको तीन टेस्ट ट्यूब दिए हुए हैं, उसमें एसिड बेस और एक न्यूट्रल सॉल्यूशन यानी वाटर है। अब आपको बिना सिर्फ एक लिटमस पेपर दिया हुआ है, उससे आपको टेस्ट करना है कि उनमें कौन से एसिड है, कौन सा बेस है और कौन सा वाटर है, ठीक है। तो ये हम कैसे चेक करेंगे? लिटमस पेपर कौन सा? सपोज आपके पास कौन सा दिया हुआ है? रेड लिटमस पेपर। अगर आपके पास सिर्फ एक रेड लिटमस पेपर है तो कैसे डिटरमाइन करोगे? हाँ, सबसे पहले तीनों टेस्ट ट्यूब में हम उनको डालेंगे, कौन सा रेड, कौन सा लिटमस पेपर है हमारे पास? रेड, जिसमें उसका कलर क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। सपोज पहले वाले में ब्लू हो गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बेस, ठीक है। अब बाकी दो बच गए और लिटमस पेपर का कलर क्या हो गया हमारा? ब्लू हो गया। अब वापस जिसमें वो रेड हो जाएगा वो एसिड हो जाएगा। तो सपोज ये वाला आपका एसिड हो गया और जो बच गया वो आपका वाटर, ठीक है। तीसरा आपका क्या हो जाएगा? वाटर जो बच गया न्यूट्रल, क्लियर। जिसमें लिटमस आप वापस अगर डाल के देखोगे तो कलर चेंज हो ही नहीं रहा है, चाहे जिस कलर का हम लिटमस पेपर डालें, क्योंकि न्यूट्रल सब्सटेंस आपके लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं करेंगे। क्लियर हुआ? इंडिकेटर्स क्लियर हो गए दो टाइप के, नेचुरल और सिंथेटिक, और फर्दर ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स जिसमें स्मेल चेंज होती है, क्लियर।
और इनकी स्मेल बेसिकली किस में होती है? स्मेल कैसे बेटा? इनमें आप जनरली जब किस में डालोगे? बेस में। जब इन तीनों में बेस डालोगे तो इन तीनों की जो स्मेल होगी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। एसिड में डालोगे तो डिस्ट्रॉय नहीं होगी, बेस में बेटा, एसिड में डिस्ट्रॉय नहीं होगी, बेस में इनकी स्मेल क्या हो जाएगी? डिस्ट्रॉय हो जाएगी। क्लियर? जो इनकी नॉर्मल स्मेल होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी बेस सॉल्यूशन अगर हमने डाला है तो अगर हमने कोई एक सॉल्यूशन डाला है इनमें, अगर इनकी स्मेल डिस्ट्रॉय हो गई तो वो सॉल्यूशन हमारा बेस है, अगर इनकी स्मेल डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है तो वो सॉल्यूशन आपका एसिडिक है। बट ये आपको पहले बताना चाहिए कि आप एसिड और बेस को ही टेस्ट कर रहे हो, न्यूट्रल को नहीं, क्योंकि न्यूट्रल में भी डिस्ट्रॉय नहीं होगी। ठीक है, क्लियर? नाउ अब एसिड के बारे में डिटेल में पढ़ना है। एसिड्स क्या होते हैं? जिसका क्या टेस्ट है? सॉरिन टेस्ट। ठीक है, एसिड्स आर दो सब्सटेंस विच आर सॉरिन टेस्ट। अब ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड, सो ऑर्गेनिक एसिड का मतलब क्या है? एसिड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नोन एज ऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, ये वर्ड्स अच्छी तरह बेटा याद रखने हैं आपको, ऑर्गेनिक एसिड्स। क्लियर हो गया सबको? और ऑर्गेनिक एसिड्स स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं या वीक एसिड्स होते हैं? वीक एसिड्स होते हैं, और इसलिए हम इन्हें कंज्यूम कर सकते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स से जो एसिड्स मिलते हैं उन्हें हम ऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं, और इनको हम इजिली कंज्यूम कर सकते हैं, जैसे सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, एनिमल से ये आपका ये कर्ड में जो डलता है कौन सा, लैक्टिक एसिड। दूध कहां से आता है? एनिमल से आता है ना। ठीक है, क्लियर? तो जो एसिड्स हमें एनिमल्स के थ्रू मिल रहे हैं वो क्या हो गए? ऑर्गेनिक एसिड्स। प्लांट्स और एनिमल्स से जो हमें एसिड्स मिल रहे हैं वो कौन से हो गए आपके? ऑर्गेनिक एसिड्स। और उसके अलावा दूसरे एसिड्स कौन से आपके? मिनरल्स एसिड्स। अब मिनरल एसिड्स कहां से मिलते हैं हमें? मिनरल्स फ्रॉम दी अर्थ। क्लियर? अर्थ के अंडरग्राउंड जो आपके मिनरल्स डिपॉजिट है उनसे जो एसिड्स आपको ऑब्टेंड हो रहे हैं वो आपके मिनरल एसिड्स। कौन कौन से? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये तीन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एसिड हैं और मोस्ट हैजार्डस एसिड हैं। ठीक है, हैजार्डस मतलब डेंजरस, जो आपको जला भी सकते हैं मतलब। ठीक है, सो इसको हमेशा ध्यान से यूज करना चाहिए कहीं पर भी आप यूज कर रहे हो तो। ठीक है, क्लियर? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला HCl, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4, और नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला HNO3। क्लियर? तो ये तीन आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। ठीक है, मिनरल एसिड जनरली स्ट्रॉन्ग होते हैं, एक्सेप्ट कौन सा एक मिनरल एसिड है जो वीक होता है? कार्बोनिक एसिड। ठीक है, नाउ कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड। अब कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड का मतलब क्या है? अब हर एसिड में वाटर का कुछ ना कुछ अमाउंट होता है, ठीक है, तभी वो आपको लिक्विड की फॉर्म में मिलते हैं प्रॉपरली। ठीक है, तो उसमें वाटर का प्रेजेंस रहता है हर एसिड में, तो जिस एसिड में वाटर का प्रेजेंस ज्यादा है उसको हम डाइल्यूट एसिड बोलेंगे या डाइल्यूटेड एसिड बोलेंगे। क्लियर? और जिसमें वाटर का प्रेजेंस कम है उसको हम क्या बोलेंगे? कंसंट्रेटेड एसिड। ठीक है, यानी अगर सपोज, और ये क्या है? कंपेरेबल टर्म्स हैं। कंपेरेबल टर्म्स मतलब कि आपके पास सपोज दो सेम टाइप के एसिड हैं, एक में वाटर कंटेंट ज्यादा है, एसिड कंटेंट कम है, और दूसरे में एसिड कंटेंट ज्यादा है एज कंपेयर टू सेकेंड वन। क्लियर? तो जिसमें एसिड ज्यादा है उसको हम कंसंट्रेटेड एसिड बोलेंगे, और जिसमें एसिड कम है उसको हम क्या बोलेंगे? डाइल्यूट एसिड। क्लियर हो गया? और हमें डाइल्यूट करना कैसे होता है? हाउ कैन वी डाइल्यूट एसिड्स? एसिड को वाटर में आपको हमेशा डालना है, कभी भी वाटर को एसिड में नहीं डालना है। क्या रीजन है इसके पीछे? बिकॉज ये क्या है? हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एसिड वाटर के साथ कौन सी रिएक्शन करता है? हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जब आप वाटर को एसिड में डालोगे तो क्या होगा? एसिड एकदम से वाटर को रिएक्ट करवाएगा, और रिएक्ट करवाने की वजह से
लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होगी और उस हीट की वजह से आपका वहां से वाटर ऊपर की तरफ उछल भी सकता है, क्लियर, और वो आपके फेस या क्लोथ्स वगैरह पे आ सकता है और आपको वो एसिड बर्न्स कर सकता है, क्लियर। तो कभी भी हम एसिड के अंदर वाटर नहीं डालेंगे, ऑलवेज वाटर के अंदर एसिड डालेंगे और वो भी ड्रॉप बाय ड्रॉप एंड विद कॉन्स्टेंट स्टेरिंग। स्टेरिंग मतलब मिक्स करते रहेंगे, हिलाते रहेंगे उसे, ताकि वो एसिड की जो हीट है वो पूरे वाटर में एब्जॉर्ब हो सके। अब जब एसिड को वाटर में डाल रहे हैं तो क्या हो रहा है बताओ? जब एसिड को हम वाटर में डाल रहे हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो जब ड्रॉप जा रही है एसिड की वाटर के अंदर, एक्सोथर्मिक वहां पर भी है बट एसिड कंटेंट वहां पे क्या है, बहुत ही कम है, क्लियर, और वाटर ज्यादा है, तो वाटर उसकी हीट क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अब वाटर बाहर निकलने की बजाय अंदर ही अंदर हीट एब्जॉर्ब कर लेगा, वाटर का टेम्परेचर आपका धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा, ठीक है। तभी आपको बोला है विद कॉन्स्टेंट स्टेरिंग, ताकि वो एसिड उसमें वाटर में मिक्सअप भी होता रहे, ठीक है। नाउ उसके बाद बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो वही हो गई, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। दूसरी, एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा तीन बता दिया ना मैंने, पहला एसिड हैव अ सॉल्ट टेस्ट, सेकंड एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, एंड थर्ड एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्लियर। नाउ फोर्थ पॉइंट आपका बेटा, एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, क्लियर। क्यों? क्योंकि एसिड के पास क्या कॉमन होता है, हाइड्रोजन। तो एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो हाइड्रोजन गैस, मेटल क्या करेगा, हाइड्रोजन को वहां से डिस्प्लेस कर देगा। अब जैसे कोई भी एसिड लो, सपोज H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब कोई भी मेटल, सपोज जिंक ले लिया हमने, तो जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को यहां से डिस्प्लेस कर देगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप सबने पढ़ी हुई है चैप्टर 1 में, क्लियर। तो जिंक हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग, तो जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को वहां से डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा। सो क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट, क्लियर। सल्फेट के साथ बॉन्ड जिंक ने बना लिया अब, और हाइड्रोजन आपका अलग से रह गया H2, और वो वहां से इवेपोरेट हो जाएगा। आए समझ में? तो क्या फॉर्म हो गया आपका, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। पढ़ लो बेटा ध्यान से। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन आपकी, ऐसे ही और भी कोई भी एसिड और मेटल आप रिएक्ट करवा सकते हो, बस ये आपको क्या ध्यान रखना है, जो मेटल है वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, तभी वो हाइड्रोजन को वहां उस एसिड से डिस्प्लेस कर सकता है। नाउ फिफ्थ रिएक्शन आपकी बेटा, एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, जिसे हम मेटल बाइकार्बोनेट्स भी बोलते हैं, मेटल बाइकार्बोनेट्स या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो अगर इन दोनों के साथ, यानी इन दोनों में से किसी भी एक के साथ अगर आपका एसिड रिएक्ट कर रहा है तो क्या फॉर्म करेगा बताओ? अगेन देखो, मेटल तो है ही, मेटल है तो हाइड्रोजन तो डिस्प्लेस होगा, यानी सॉल्ट तो आपका फॉर्म होगा, साथ में कार्बोनेट है, हाइड्रोजन निकल रहा था, कार्बोनेट के पास ऑक्सीजन है तो वो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देगा और H2O बना देगा, और कार्बोनेट में से CO2 फॉर्म हो जाएगा। तो आपके तीन प्रोडक्ट यहां पे जो बन रहे हैं, दैट इज क्या क्या, सॉल्ट वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, क्लियर। अब एक रिएक्शन देख लो इसके बेसिस में, सपोज एसिड ले लिया हमने HCl, मेटल कार्बोनेट बताओ कौन सा, कोई भी एक मेटल कार्बोनेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया सपोज हमने, अब रिएक्ट होके क्या फॉर्म करेगा ये बताओ, कौन सा सॉल्ट, CaCl, फॉर्मूला क्या बनेगा प्रॉपर, कैल्शियम की वैलेंसी 2, क्लोरीन की, सो CaCl2, क्लियर, प्लस H2O प्लस CO2, और इसमें फिर फर्दर आपको बैलेंसिंग अपने आप करनी है बेटा। यहां पे इसलिए नहीं कि देखो पहले से बैलेंस्ड है वो, ठीक है, यहां पर अब हाइड्रोजन यहां एक है, यहां दो हो गए, तो यहां दो करने पड़ेंगे हमें, क्लोरीन दो हो गए, क्लोरीन दो यहां पर भी आपके, नाउ कैल्शियम एक है, यहां पे भी कैल्शियम एक है,
कार्बन एक है, कार्बन एक है, ऑक्सीजन तीन, यहां ऑक्सीजन वन और टू थ्री, क्लियर। तो दोनों तरफ सारे एलिमेंट्स बैलेंस्ड हो गए हैं, तो ये रिएक्शन अब आपकी टोटली बैलेंस हो गई, क्लियर। तो इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन आपकी बेटा एसिड विद बेस, एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी, एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट प्लस वॉटर, ठीक है। अब कोई भी आप एसिड बताओ इस बेसिस पर, HCl या HNO3 के साथ करते हैं, चलो बेस आपका NaOH ले लिया सपोज हमने, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो आपका सॉल्ट क्या बनेगा, यहां पर सॉल्ट क्या बनेगा, NaNO3। देखो सॉल्ट बनाने के लिए हमें क्या करना है, एसिड में से हाइड्रोजन हटाना है और बेस में से OH हटाना है। अब यहां पे आपका मेटल क्या है, सोडियम बेस में, तो मेटल पहले आएगा और फिर आपका एसिड का जो नेगेटिव पार्ट है वो आएगा, पहले वाला पार्ट पॉजिटिव होता है, दूसरा वाला पार्ट नेगेटिव होता है हर कंपाउंड में बेटा, क्लियर। एसिड के अगर दो पार्ट्स करोगे तो H और NO3 निकलेंगे, H पॉजिटिव है, NO3 नेगेटिव है, ऐसी बेस में करोगे तो Na पॉजिटिव है और OH क्या है, नेगेटिव है, क्लियर। तो अब क्या हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कनेक्ट हुए, यानी NaNO3 बन गया, और H और OH मिलके क्या बनेगा, H2O, वाटर, वाटर का मामला भूल गए, क्या होता है वाटर का मामला, पक्का क्लियर हो गई ये रिएक्शन। तो एसिड और बेस मिलके क्या करेंगे, सॉल्ट बनाएंगे और साथ में वाटर, और ये रिएक्शन क्या हो जाएगी आपकी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्यों, क्योंकि एसिड और बेस मिलके क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे एक और एग्जांपल दिया, जैसे आपके स्टमक में कौन सा एसिड लिबरेट होता है, HCl, तो अगर उससे रिलीफ पानी है आपको तो क्या करते हो, माइल्ड बेस यानी कि बेकिंग सोडा हम यूज कर सकते हैं, क्लियर, जिससे क्या होगा, एक्सेस एसिडिटी से आपको रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है। नाउ सेवंथ आपका बेटा एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड। अब जैसे पहली रिएक्शन क्या थी आपकी, सबसे फोर्थ वाली जो थी, एसिड प्लस मेटल क्या फॉर्म कर रहा था, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, अब यहां पे मेटल ऑक्साइड हो गया तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। देखो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन तो बनना था, साथ में ऑक्साइड आ गया, तो ऑक्साइड क्या कर देगा, हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन कर दिया और वो क्या फॉर्म हो गया, वाटर H2O, आया समझ में, एसिड प्लस मेटल है तो क्या फॉर्म कर रहा है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ गया तो वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड हो गया और क्या फॉर्म कर दिया, वाटर, क्लियर। नाउ लास्ट प्रॉपर्टी आपकी एसिड की, एसिड्स हैव कोरोसिव नेचर, कोरोसिव नेचर का मतलब कि वो आपकी बॉडी क्लोथ्स या कोई भी मेटल्स को बर्न कर सकते हैं, क्लियर, या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। मिनरल एसिड कॉज सेवियर बर्न्स ऑन द स्किन एंड अटैक एंड ईट अप मटेरियल्स लाइक क्लोथ, वुड मटेरियल स्ट्रक्चर्स एंड स्टोन वर्क, सो दे आर सेड टू बी कोरोसिव, ठीक है। एसिड्स आर नेवर स्टोर्ड इन मेटल कंटेनर्स, क्यों, बिकॉज दे ग्रेजुअली कोरोड एंड ईट अप द मेटल कंटेनर, मतलब धीरे धीरे उसके साथ रिएक्ट होना स्टार्ट करेंगे, उसको कोरोड कर देंगे, खराब कर देंगे, क्लियर, ईट अप जो भी बताया था हमने। नाउ स्ट्रॉन्ग बेस, आपके भी ये नहीं कि एसिड ही होते हैं, बेसिस भी जो होते हैं वो भी आपके कोरोसिव होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं वो भी कोरोसिव होते हैं नेचर में, हाँ। एसिड को ग्लास कंटेनर्स में रखते हैं बेटा, ठीक है, क्योंकि ग्लास आपका अनरिएक्टिव होता है। नाउ व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन, सारे एसिड्स में क्या कॉमन होता है, H प्लस आयंस, और वो कब लिबरेट करते हैं, जब हमने वाटर में मिक्सअप करते हैं, क्लियर, वाटर के साथ जब हम मिक्सअप करते हैं उन्हें, तो वो
आपके H प्लस आयन्स लिबरेट करते हैं, ठीक है। नाउ क्या सारे कंपाउंड्स ऐसे जिनके अंदर हाइड्रोजन होता है वो एसिड ही होते हैं? नहीं, जरूरी नहीं है कि जिनके अंदर हाइड्रोजन है वो आपके एसिड्स ही हो। Those compounds can be acid which can contain hydrogen and can conduct electricity. यानी जिनके अंदर हाइड्रोजन है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं उनको हम एसिड्स बोलते हैं। आपके जो ग्लूकोज एल्कोहल हो गए इनके अंदर हाइड्रोजन होता है बट ये एसिड कंडक्ट नहीं करते, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, इसलिए ये एसिड्स नहीं होते। क्लियर? नाउ एसिड्स डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वॉटर, वॉटर के एब्सेंस में ये एसिडिक इफेक्ट नहीं शो करते, ठीक है। एसिड्स वॉटर के एब्सेंस में क्या नहीं शो करते? एसिडिक बिहेवियर, ठीक है। तो अगर वॉटर अगर एब्सेंट है वहां पे आपका, यानी आप अगर ड्राई स्टेट में एसिड को चेक कर रहे हो तो वो अपना इफेक्ट शो नहीं करेंगे। क्लियर? अगर आप ड्राई लिटमस पेपर से आप ड्राई एचसीएल गैस को चेक कर रहे हो तो आपको कलर चेंज नहीं मिलेगा, बट अगर वेट लिटमस पेपर होगा तो वो, और ड्राई एचसीएल के साथ वो वेट लिटमस पेपर क्या करेगा? कलर चेंज कर लेगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स का मतलब अब हम इसमें कैसे बता सकते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होंगे? अब एसिड्स क्या करते हैं? एच प्लस आयंस लिबरेट करते हैं जब उन्हें वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो एसिड डिसोसिएट होते हैं, डिसोसिएट मतलब ब्रेकअप होते हैं, और क्या फॉर्म करते हैं? एच प्लस आयंस। तो जितने ज्यादा एसिड्स क्या होंगे, मतलब एसिड जितना ज्यादा ब्रेकअप होगा यानी जितने ज्यादा एच प्लस आयंस फॉर्म करेगा उतना स्ट्रॉन्ग वो एसिड होगा, ठीक है। और जितना वीक एसिड होगा उतने क्या होगा? लेस अमाउंट ऑफ एच प्लस आयंस प्रोड्यूस करेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं आपके? जो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं वाटर में, और क्या प्रोड्यूस करते हैं? लार्ज अमाउंट ऑफ एच प्लस आयंस। और वीक एसिड्स क्या होते हैं? जो पार्शियली आयोनाइज्ड होते हैं और लेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं वाटर में, ठीक है। नाउ बेस, बेस क्या होते हैं आपके? क्या होता है टेस्ट बेस का? बिटर इन टेस्ट, ठीक है। और बेसेस आर द केमिकल अपोजिट ऑफ एसिड्स, एसिड्स के केमिकल अपोजिट होते हैं, यानी एसिड को अगर कोई एसिड इफेक्ट खत्म कर सकता है तो वो कौन है? बेस। क्लियर? अब बेस इज अ केमिकल सब्सटेंस विच कैन न्यूट्रलाइज एन एसिड। अब एल्कलीज क्या होते हैं? वॉटर सोल्यूबल बेस, ऐसे बेसिस जो वाटर में सोल्यूबल हो सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एल्कली। तो जो नॉर्मली आप पढ़ते हो वाटर सोल्यूबल बेसिस के बारे में ही पढ़ते हो, तो सारे एल्कलीज ही आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो व्हेन वी हैव टॉक ऑफ अ बेस इन दिस डिस्कशन इट विल एक्चुअली मीन अ वाटर सोल्यूबल बेस और एल्कली। अगर आप अब बेस के बारे में पढ़ रहे हो तो वो एल्कली के बारे में ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि एल्कली ही रिएक्ट कर सकता है बेस। कभी भी अब देखो ड्राई स्टेट में तो कोई भी रिएक्शन होती नहीं है, ठीक है, लिक्विड स्टेट में होती है आपकी। तो आपका बेस जो हम यूज कर रहे हैं अब यहां पे वो एल्कली ही है, ठीक है। नाउ व्हाट डू ऑल द बेसिस हैव इन कॉमन? सारे बेसिस में कॉमन क्या होता है? OH। देखो NaOH आपका बेस है, KOH और बताओ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या बनेगा? MgOH होल ट्वाइस, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए आपके? बेस। तो इन सब में आपको कॉमन चीज क्या दिख रही है? OH नेगेटिव आयंस, ठीक है। इन सबको जब आप ब्रेक करोगे तो सब में OH नेगेटिव आयंस आएंगे, ठीक है। तो सारे बेसिस में क्या होता है? OH नेगेटिव आयंस कॉमन होता है। नाउ स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस किस बेसिस पे बता सकते हैं? अगेन वही, जो ज्यादा OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करते हैं वो बेस होते हैं स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और वीक बेस क्या होंगे? जो लेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करेंगे, और ये भी वाटर में ही प्रोड्यूस करेंगे बेटा, ठीक है। चाहे एसिड या बेस, दोनों ही आप वाटर सोल्यूबल ही देख रहे हो यहां पे। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, सबसे पहला बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। सॉर कौन बोल रहा है?
सेकंड, बेसिस को टच करने पे कैसा फील होता है? सोपी टू टच, ठीक है। और किस लिटमस को किस में कन्वर्ट करते हैं? रेड लिटमस टू ब्लू। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं नहीं करते हैं? करते हैं, तो इन्हें भी हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइट्स। जो सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, जो सॉल्यूशन, उनको हम इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं, ठीक है। एसिड्स को भी इलेक्ट्रोलाइट्स बेटा, जो सॉल्यूशन बोला ना मैंने, जो सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं उनको हम इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। चाहे वो एसिड हो, चाहे बेस हो, चाहे सॉल्ट हो, सॉल्ट भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। क्लियर? इलेक्ट्रोलाइट्स एक वर्ड आपका दे दिया, ऐसे सॉल्यूशंस, ठीक है, जो लिक्विड सॉल्यूशंस हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं उनको हम इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। क्लियर? जैसे सॉलिड की बात करें तो कंडक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। नाउ अब बेस भी क्या करते हैं? मेटल के साथ रिएक्ट होके क्या फॉर्म करते हैं? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। बट बेसिस कुछ ही मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, बेस आपके सारे मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। बेस मेटल कुछ मेटल्स के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। एग्जांपल देखो, आपको वहां पे दिया हुआ है NaOH प्लस जिंक गिव्स क्या बन जाएगा आपका? Na2ZnO2, Na2ZnO2 प्लस H2, ठीक है। अब इसका फॉर्म, इसका नेम क्या है Na2ZnO2 का? सोडियम जिंकेट। क्या नाम है इसका? सोडियम जिंकेट। बैलेंस कर लोगे उसके अकॉर्डिंग, Na दो आ गए, बैलेंस हो गया, जिंक एक ही है, हाइड्रोजन दो हो गए, ऑक्सीजन दो हो गए आपके यहां पे। क्लियर? नाउ बेसेस रिएक्ट विद एसिड, क्या फॉर्म करेंगे? सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये रिएक्शन देखो रिवर्स हो गई, एसिड रिएक्ट विद बेस बोलो या बेस रिएक्ट विद एसिड बोलो, फॉर्मेशन तो आपका वही होगा ना, सॉल्ट प्लस वाटर, यानी रिएक्शन तो वही है ना आपकी। क्लियर? बेसिस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड्स। अब एसिड किसके साथ रिएक्ट कर रहे थे? मेटल ऑक्साइड। तो बेस किसके साथ रिएक्ट करते हैं? नॉन मेटल ऑक्साइड्स। और क्या फॉर्म करते हैं? अब इन दोनों रिएक्शन में देखो एक बार ध्यान से, दोनों रिएक्शन में आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो क्या फॉर्म हो रहा है? सॉल्ट प्लस वाटर। यहां पर एसिड एसिड सेम है, बट यहां पर क्या है? मेटल ऑक्साइड। तो हम यहां पर क्या बोल सकते हैं? मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। क्या बोल सकते हैं? मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ऐसी दूसरी रिएक्शन क्या बताई हमने? बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड्स। बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या फॉर्म करेंगे? सॉल्ट प्लस वाटर। तो आपका नॉन मेटल ऑक्साइड्स किसको रिजेंबल करेगा? एसिड्स। नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, यानी वो एसिड का काम कर रहे हैं, इसलिए हम उसको नेचर में क्या बोलेंगे? एसिडिक। तो बेसिक ऑफ मेटल ऑक्साइड्स आपके बेसिक होते हैं, और नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं नेचर में। क्लियर? बेस की प्रॉपर्टीज, बिटर इन टेस्ट, सोपी टू टच, रेड लिटमस टू ब्लू, इलेक्ट्रिसिटी कैन कंडक्ट, देन कुछ मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, और क्या फॉर्म करते हैं? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं? सॉल्ट प्लस वाटर, यानी एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट होके भी सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म करते हैं, ठीक है। सारी रिएक्शंस बेटा, यूजेस बेस के कहां कहां यूज होते हैं? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज तो पता ही होगा ना, क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड सोप पेपर मेकिंग इंडस्ट्री में यूज होता है, ठीक है। और एक सिंथेटिक फाइबर भी आपका बनाया जाता है, दैट इज रेयॉन, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका यूज होता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए, ठीक है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एक और नाम है क्या? एंट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का नाम क्या है? बेस क्या? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को एक और नाम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और वो एंट एसिड की तरह यूज किया जा सकता है क्योंकि माइल्ड बेस होता है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा में काम आता है फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपका क्या है? बेकिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग सोडा सबको पता है ना, आगे पढ़ेंगे फर्दर इसके बारे में,
ठीक है।